हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। मैं पीयूष और आप सभी देख रहे हैं पीयूष गेमिंग। आज मैं इस वाले वीडियो में एक घर बनाऊंगा जिसका सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है, और ये उस घर का फ्रेम है। यहाँ से भी ऐसा बनेगा थोड़ा दूर। चलिए गाइस, किसी देरी के बिना शुरू करते हैं। पहले तो मैं यहाँ ग्लास लगा डोर लगा देता हूँ। अभी यहाँ पूरा ग्लास पेंट से भरना है, उसे भी भर देता हूँ। मैं वीडियो को स्किप कर दूंगा ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो कि गाइस, मैंने इसे पूरा कर लिया। अब यहाँ पूरा कॉबल स्टोन लगाना है, इसे भी स्किप करके दिखाऊंगा। तो ओके गाइस, मैंने ये भी कंप्लीट कर दिया है। अब बनाते हैं अगला। मेरा तो हमें एक ब्लॉक छोड़कर 1 2 3 4 और 7 ब्लॉक आगे तक लेना है, लेकर जाना है। 2 3 4 5 6 यहाँ तक आगे लेकर आ चुका हूँ। इसे भी स्किप कर दूंगा ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो बन जाए। मैंने वो फार्मिंग एरिया भी बना दिया है। अब यहाँ ऊपर एक फ्लोर का बॉर्डर भी बना दिया है, इसे भी पूरा कंप्लीट कर देते हैं। मैं भी इसे स्किप कर दूंगा, इसे भी स्किप कर दूंगा। इतना घर बन चुका है। अभी ये रूफ कवर करना है और थोड़ा लाइट वाइट करना है। और हाँ गाइस, मैं इस वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि मोबाइल पे शेडर्स कैसे ऑन करते हैं। तो ओके गाइस, मैंने वो भी कर दिया है, घर तैयार है। देख सकते हैं, पहले सो जाते हैं। पूरा घर तैयार है, थोड़ा चेस्ट वेस्ट वो भी रख देते हैं। एक ही बन पाया चेस्ट, कोई नहीं, बाद अगली वीडियो में वैसे देंगे। सामान स्टोर कर लेते हैं। तो कि गाइस, हम आ चुके हैं शेड्स पे। देखते हैं अपना घर कैसा दिख रहा है। अंदर चलते हैं पहले। ये थोड़ा लैग होगा पर आप चंक्स पूरा कम कर लेना, तब ऐसा नहीं होगा। सर अपना घर चलिए गाइस, मैं अभी दिखाता हूँ कैसे ऑन करते हैं। पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे जाकर ये एड ऑन्स फॉर माइनक्राफ्ट इंस्टॉल करना होगा। मैंने कर लिया है, छोटा सा ऐप है, आप कर लीजिएगा। ओपन करते हो, आपको यहाँ सर्च पे जाना है, बाद में यहाँ शेडर पे जाना है।
उसके बाद थोड़ा नीचे जाइए और आपको दिखेगा OSBES, ये वाला आपको उस इस पे जाना है। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। आप अगर चाहते हो कि ये डोंट शो अगेन, बाद में ओके कर दीजिए। ये सिर्फ झूठ बोलता है, कुछ नहीं होता है। मैंने कर लिया इसीलिए आप दिखा रहे, कुछ ऐसा होगा, ऐसा दिखेगा। अब इंस्टॉल करके आपको जाना है माइनक्राफ्ट में। आप माइनक्राफ्ट में जाने के बाद यहाँ सेटिंग्स पे जाना है, बाद में यहाँ ग्लोबल रिसोर्सेस जो ग्रीन कलर जैसा दिख रहा है, ये वाला ग्लोबल रिसोर्सेस, उस पर जाना है। और यहाँ माई पैक्स में जाकर यहाँ OSBES आपको दिखाता हूँ, माई पैक्स में यहाँ OSBES आ जाएगा, उसे एक्टिव करना है। बस इतना ही। अगर आप बाद में जाओगे तो वैसा आ जाएगा। मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ, ऐसा दिखेगा। बाद में आप OSBES एक्टिव कर लेना, बाद में ऐसा होगा। तो चलिए गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।